आज तो कैलाश पर बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश पर बाज रहे डमरू, नाच रहे शिव जी बाज रहे घुंघरू, नाच रहे शिव जी बाज रहे घुंघरू। शेष भी आए शारद भी आए, शेष भी आए शारद भी आए, बीड़ा बजाते हुए नारद भी आए, बीड़ा बजाते हुए नारद भी आए। दोनों ही पाँव में बाज रहा घुंघरू, दोनों ही पाँव में बाज रहे घुंघरू, नाच रहे शिव जी बाज रहे घुंघरू, नाच रहे शिव जी बाज रहे घुंघरू। आज तो कैलाश पर बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश पर बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे घुंघरू। आप सभी लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हरियाली तीज मुख्यतः उत्तर भारतीय महिलाओं द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। सावन का महीना अत्यंत पवित्र महीना होता है। हरियाली तीज का त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। इस दिन सुहागन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और निर्जल व्रत करके अपने सुखी और वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं पर कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की कामना के साथ यह व्रत करती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं दिन भर बिना अन्न व जल ग्रहण की रहती हैं और संध्याकालीन अर्थात प्रदोषकालीन पूजा के पश्चात चंद्र दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। हरियाली तीज में महिलाएं हरे रंग को बहुत ही ज़्यादा महत्व देती हैं। उनके श्रृंगार में हरे रंग की प्रमुखता होती है, जैसे हरे रंग की साड़ी पहनना, हरे रंग की चूड़ी पहनना, हरी बिंदी लगाना, हरी मेहंदी लगाना इत्यादि। इसका कारण यह है कि जो हरा रंग होता है वो शीतलता का प्रतीक होता है, एक ताजगी, एक सकारात्मकता, प्रसन्नता और समृद्धि का प्रतीक होता है। हरा रंग जो है वो बुध ग्रह को भी दर्शाता है। हरा रंग पहनने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है, इसीलिए महिलाएं जो होती हैं वो सावन में हरियाली तीज में हरे रंग को ज़्यादा महत्व देती हैं। हरा रंग पहनने से महिलाओं में एक ऊर्जा, एक नवीनता का संचार होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं सर से लेकर पैर तक अपना श्रृंगार करती हैं, अर्थात सोलह श्रृंगार करती हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। इस दिन सोलह श्रृंगार तो करती ही हैं, साथ ही साथ माता पार्वती को सोलह श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करती हैं और माता पार्वती से आशीर्वाद ग्रहण करती हैं अपने अखंड सुहाग में वृद्धि के लिए। इस दिन जो सासू माँ होती हैं अर्थात जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपनी बहुओं को वस्त्र, चूड़ियाँ और श्रृंगार की सामग्री और कुछ मिष्ठान उन्हें भेंट करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उनका सुहाग बना रहे और उनके वंश की वृद्धि बनी रहे। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं करेंगी, उनके विवाह में जो भी विघ्न बाधा या जो अड़चने आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर हो जाएंगी और इसके साथ ही साथ उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। और इसके साथ ही साथ जो सुहागन महिलाएं इस व्रत को करेंगी, उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी और उनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही सुखद व्यतीत होगा। इसीलिए जो यह व्रत है वो कुंवारी और सुहागन महिलाएं दोनों ही करती हैं। आइए जानते हैं कि तृतीया तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, इसका समापन कब हो रहा है और पूजा का मुहूर्त कब है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण पूजा को हमेशा ही अच्छे व शुभ मुहूर्त में करना चाहिए ताकि पूजा का और व्रत का हमें पूर्ण लाभ मिले। तृतीया तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त दिन शुक्रवार की शाम में 8:01 पर हो रहा है और तृतीया तिथि का समापन जो हो रहा है वो 19 अगस्त दिन शनिवार की रात्रि में 10:19 पर हो रहा है। और हरियाली तीज जो वो है वो सिद्ध योग में संपन्न हो रहा है। सिद्ध योग पूरे दिन है जो कि रात्रि में 9:19 में समाप्त होगा। हरियाली तीज यानी कि 19 अगस्त दिन शनिवार को अमृतकाल का संयोग जो है वो संध्याकाल में है। अमृतकाल का जो संयोग है वो शाम में 5:44 से लेकर शाम में 7:32 में है, तो यह आपकी पूजा के लिए बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको चौघड़िया के हिसाब से, दिन की चौघड़िया और रात्रि की चौघड़िया के हिसाब से मैं आपको पूजा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। उसमें से भी आप अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उन मुहूर्तों का चुनाव करके आप इस पूजा को कर सकते हैं, क्योंकि आज के व्यस्त भरे समय में हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त है, सबकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनमें ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति संध्याकालीन पूजा ही कर पाए। तो इसीलिए मैं सुबह से लेके
रात्रि तक के लिए कई सारे मुहूर्त में चौघड़िया के हिसाब से बता रही हूँ। अब उसमें से आपको जो भी सुविधा पड़े आप समय का चुनाव कर लीजिए। तो स्क्रीन पे मैं समय दे रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए। दिन की चौघड़िया के हिसाब से पहला मुहूर्त जो है वो शुभ की चौघड़िया है, जो कि उत्तम मानी जाती है। वो सुबह 7:30 से लेकर 9:08 तक है। उसके पश्चात चर की चौघड़िया है, जो कि सामान्य मानी जाती है, वो दोपहर में 12:25 से लेकर 2:03 तक है। उसके पश्चात लाभ की चौघड़िया है, जो कि उन्नति के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, वो दोपहर में 2:03 से लेकर 3:41 तक है। इसके पश्चात अमृत की चौघड़िया है, जो कि सर्वोत्तम मानी जाती है, वो दोपहर में 3:41 से लेकर 5:19 तक है। रात्रि की चौघड़िया में पहली चौघड़िया है वो लाभ की चौघड़िया है, जो कि उन्नति के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, वो शाम में 6:57 से लेकर रात्रि में 8:19 तक है। उसके पश्चात शुभ की चौघड़िया है, जो कि बहुत ही उत्तम मानी जाती है, वो रात्रि में 9:41 से लेकर रात्रि में 11:03 तक है। अभी मैंने आपको पूजा के बहुत सारे मुहूर्तों की जानकारी दी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार आपको जो भी पूजा का मुहूर्त जो भी आपको उपयुक्त लगे उनमें से आप चुनाव कीजिए और इस पूजा को, हरियाली तीज की जो पूजा को है, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा से, भक्ति भाव और श्रद्धा से इस पूजा को संपन्न कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग, ताकि उन्हें भी हरियाली तीज के मुहूर्त के बारे में, हरियाली तीज के महत्व के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हो। और चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।